सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक टॉक्स के गुरफ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं पहले पुराने पोल की, जब सवाल था कि क्या आपने कभी कुछ खर्चा किया है भैया प्ले स्टोर से ऐप्स या गेम्स वगैरह खरीदने के लिए, तो आप दोस्तों बोलते हैं 81% लोग कि भैया नहीं, हमारा तो बिल्कुल चल रहा है काम फर्स्ट क्लास मुफ्त में, और बाकी बोलते हैं कि हाँ भैया हमने तो दिए हैं पैसे कभी ना कभी किसी ना किसी ऐप या गेम के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसे में आज का सवाल आपसे ये है कि भैया अगर रेडमी इंडिया में रेडमी नोट 7 लेके आता है बहुत ही जल्दी, मान लो भैया फरवरी के ही महीने में, तो क्या दोस्तों आप इस फोन को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड होंगे? आप दोस्तों बताइए क्या रहती है आपकी राय ऊपर दिए गए पोल में, नीचे कमेंट सेक्शन में सारी बातें मिला लो एक साथ एक स्पेशल लाइक के लिए। दोस्तों बात करते हैं भैया पहले अपडेट की, यहां पे निकल के आता है इसी Redmi Note 7 को लेके, जहां पे दोस्तों मालूम चलता है कि Redmi Note 7, Note 7 Pro और Redmi Go, यहां पे दोस्तों ये जो तीन फोन्स हैं ये इंडियन मार्केट में शायद बहुत जल्दी आ सकते हैं। अब यहां पे दोस्तों जल्दी का मतलब भैया फरवरी होगा या मार्च होगा या मतलब बस आने ही वाले हैं वो दोस्तों हम देखेंगे। हालांकि इतनी जल्दी शायद नहीं आएगा, थोड़ा टाइम अभी लगेगा, लेकिन दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रहे हैं जो हमको बताते हैं कि भैया जो फोन है वो आ सकता है बहुत ही जल्दी मार्केट में, और ऐसे में Redmi Go होगा बिल्कुल एकदम बजट डिवाइस, फिर आएगा Redmi Note 7 और फिर आएगा भैया यहां पे Redmi Note 7 Pro, एक कंप्लीट लाइनअप तीनों ही डिवाइसेस का। देखते हैं क्या होता है इंडियन मार्केट में इसी Redmi लाइनअप को लेके। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के, निकल के आता है यहां पे Vivo Apex 2 के रेंडर को लेके। यहां पर दोस्तों ये आता है भैया सामने एक रेंडर, उसमें बताता है कि कैसा होने वाला है हाई स्क्रीन टू बॉडी रेशियो वाला डिजाइन इसी Vivo Apex 2 का, और यहां पर दोस्तों शायद Vivo जो है वो शोकेस कर सकता है इस फोन को। हालांकि दोस्तों जो लॉन्च इवेंट की डेट निकल के आ रही है 24 जनवरी वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा डेफिनेटली MWC के आसपास Vivo डेफिनेटली कुछ नया दिखाएगा इसी Apex के रूप में। तो यहां पर दोस्तों ये जो Vivo Apex 2 है ये शायद कुछ और नया लेके आएगा अपने साथ में, देखते हैं Vivo क्या प्लान करता है। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है यहां पे Ducati की तरफ से, और यहां पर दोस्तों Ducati ने भैया कर दिया है कंफर्म कि वो भैया कर रहे हैं प्लान इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को लेकर दोस्तों कुछ चीजें, जहां पे शायद आपको इलेक्ट्रिक मॉडल देखने को मिल सकता है बहुत ही जल्दी मार्केट में। फिलहाल दोस्तों यहां पे हार्ले ने तो भैया अनाउंस कर ही दिया था अपना हार्ले डेविडसन का लाइव वायर, हालांकि कीमत बहुत ही ज्यादा है $30,000 एक बाइक के लिए, लेकिन यहां पे देखते हैं कि Ducati क्या करता है इसे इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की दुनिया में। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है यहां पे LG के G8 को लेके, और यहां पे दोस्तों जो लॉन्च इवेंट है वो लगभग कंफर्म सा ही हो गया है, मतलब आ रहे हैं काफी स्ट्रांग रूमर्स कि भैया जो लॉन्च है वो होने वाला है 24 फरवरी को, यानी कि MWC से ठीक एक दिन पहले, और यहां पे जो है वो LG करने वाला है अनवील अपने G8 फोन को, जहां पे भैया करेगा काम स्नैपड्रैगन का 855 प्रोसेसर। बाकी चीजें क्या होती है, क्या होता है इस फोन में खास वो तो खैर हम देखेंगे, लेकिन मैं क्योंकि जा ही रहा हूं MWC तो वहां से आपके लिए इन सभी लेटेस्ट स्मार्टफोन्स के बहुत सारे वीडियोस आपको लाके दे ही दूंगा। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है यहां पे Facebook की तरफ से, और यहां पे दोस्तों Facebook ने अनवील कर दिया भैया एक नया अपना ऑप्शन जो कि है कम्युनिटी एक्शंस का, जहां पे दोस्तों आप जो है वो कुछ पिटीशंस के ऊपर भैया साइन अप वगैरह कर सकते हैं, आप दोस्तों मतलब बेसिकली अपना वोट रख सकते हैं अगर दोस्तों आपको अपनी बात रखना चाहते हैं तो। ये दोस्तों न्यूज फीड में ही होंगी पिटीशंस, जहां पे आप अपनी राय रख सकते हैं भैया आप उसके फेवर में हैं, आप उसको सपोर्ट करते हैं या नहीं, इसका नाम है कम्युनिटी एक्शंस। देखते हैं ये चीजें कैसे काम करती है, हालांकि फेसबुक जो है उससे कभी कभार ही कुछ अच्छा सुनने को मिलता है, बाकी तो अगर आप जानते हैं फेसबुक के क्या कर्म रहे हैं पिछले कुछ सालों में। दोस्तों बात करते हैं अगली अपडेट को लेकर, जहां पर दोस्तों बात हो रही है पबजी की, और यहां पर दोस्तों पबजी ने भैया किया है टीज, एक दोस्तों नया कुछ आने वाला है बहुत ही कमाल का पैच ऐसा बोलता है पबजी, और यहां पर दोस्तों इसके अलावा विकेंडी जो मैप है उसमें आपको नाइट मोड का ऑप्शन मिल सकता है। हालांकि दोस्तों ये बात हो रही है पीसी गेमर्स के लिए, लेकिन यहां पर दोस्तों दिखने में मिल रही है ग्राफिक्स बड़े ही कमाल के लग रहे हैं, जहां पर दोस्तों अभी आप नाइट मोड में शायद खेल पाएंगे पबजी को, और ऐसे में जो एक गाड़ी है वो भी शायद एक नई है, तो मतलब ऐसे में दोस्तों कुछ ऑसम पैच बोलता है पबजी अभी, ऐसे में भैया क्या होगा उस पैच वो देखेंगे, लेकिन यहां पर जो नाइट मोड है वो दिखने में बहुत ही कमाल लग रहा है। क्या आप मोबाइल में दोस्तों इस ऑप्शन को देखना चाहेंगे, बताइए जरूर क्या रहती राय अगर आप खेलते हैं पबजी नीचे कमेंट्स में। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट को लेकर, यहां पे दोस्तों बात हो रही है एक ऐसे पैच को लेके, पबजी वाला पैच नहीं है ये दोस्तों, दूसरा पैच है जहां पर दोस्तों ये आपके स्किन से चिपक जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपके पसीने को एनालाइज करने के बाद भैया बताएगा कि आप जो है दोस्तों वो क्या डिहाइड्रेटेड है, क्या दोस्तों यहां पे भैया आप डायबिटीज के शिकार है या नहीं, तो ऐसे में काफी एक अच्छी चीज है, आप इस पैच को चिपका लीजिए और उसके बाद में आपके पसीने को एनालाइज करने के बाद दोस्तों आपकी बॉडी के बारे में काफी सारी चीजें बता देगा। आखिर चल के देखो भैया साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहां कहां घुसती है,
हम ऐसे ही भैया बहुत सारे तरह तरह के इम्प्लांट्स और पैचेस लगा लगा के घूम रहे होंगे अपनी बॉडी के बारे में डिटेल्स पता लगाने को। तो उसमें बात करते हैं अगले अपडेट के निकल के आता है यहाँ पे मोटोरोला के मोटो रेजर फोल्डिंग फोन को लेके। और यहाँ पे दोस्तों डिजाइन भैया एक आया सामने कि कैसा हो सकता है ये फोल्डिंग फोन। तो भैया दिखने में तो बड़ा कमाल लग रहा है, मतलब ऐसा अगर मोटोरोला लेके आ जाए तो आ जाएगा मजा, मतलब पुरानी यादें बिल्कुल ताजा हो जाएंगी। जहां पर दोस्तों जो स्क्रीन है वो होगा अंदर एक कंटिन्यूअस सिंगल पीस, लेकिन फोन जो है वो हो जाएगा फोल्ड, होगा एकदम बिल्कुल छोटा सा चौकोर सा। और ऐसे में दोस्तों कुछ और डिजाइन से भी निकल के आए सामने, भी देखते हैं एग्जैक्टली कि क्या करता है मोटोरोला और क्या वाकई में जो हम सोच रहे हैं ऐसा कुछ हो पाता है या फिर निकलता है भैया कोई फुस पटाखा। देखते हैं क्या होता है MWC 2019 में। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के निकल के आता है यहां पे एयरटेल की तरफ से, और ये भैया लेके आ गए एक नया रिचार्ज पूरे साल भर के लिए, जो कीमत है वो है 1699 रुपीज। आपको मिलेगा रोज का 1 GB डेटा। और यहाँ बोलते हैं कि भैया हम करने वाले हैं यहाँ पे कम्पीट जियो के साथ में। भाई वॉइस कॉल्स तो मान लिया अनलिमिटेड है, लेकिन भैया जो जियो का प्लान है 1699 का वो हमको देता है रोज का 1.5 GB डेटा। तो हम एयरटेल क्यों ले, 500 MB का घाटा क्यों खाएं एयरटेल डेली बेसिस पे। क्या आप दोस्तों ऐसे में साल भर के रिचार्जेस में इंटरेस्टेड हो, या फिर आपके हिसाब से भैया जो होता है 70-80 दिनों का रिचार्ज आप वही करवाते हो, क्या रहती है आपकी राय भैया बताओ जरूर जरा नीचे दिए गए कमेंट्स में। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की निकल के आता है Xiaomi की तरफ से, और यहां पर दोस्तों Xiaomi ने लॉन्च कर दिया अपना एक नया ब्रांड न्यू डिवाइस जिसका नाम है Aquara स्मार्ट कर्टेन मोटर। ये दोस्तों पर्दे के बगल में आप लगा लो, उसके बाद में भैया जो पर्दा है उसको एक होल भी देगा, बंद भी कर देगा, मतलब Xiaomi जो है भैया देखो क्या क्या कमाल काम करता है। यहाँ पर दोस्तों बैटरी भी इनबिल्ट है, मतलब आपको कोई पावर कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जो कीमत है वो है 549 युआन, यानी करीब करीब 5,500-6,000 रुपये के आसपास। और ये एक छोटी सी मोटर है भैया, है गैजेट, आप लगा दो पर्दे के बगल में, बाद में बोलो Xiaomi को दोस्तों जो स्मार्ट डिवाइसेज हैं या फिर भैया अपने मोबाइल फ़ोन वगैरह से आप मतलब जो है बड़े आराम से वायरलेसली अपने पर्दे को खोल या बंद कर सकते हैं। कमाल बात है Xiaomi ने भैया क्या क्या बनाना स्टार्ट कर दिया। अगला प्रोडक्ट आएगा Xiaomi का पर्दा। दोस्तों बात करने के लिए अपडेट के निकल के आता है अभी Samsung के Exynos 7 सीरीज के 7904 प्रोसेसर को लेके। यहां पर दोस्तों ये आ गए सामने, जहां पर दोस्तों ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, और यहां पर दोस्तों ट्रिपल कैमरा का सपोर्ट भी आपको मिल रहा है। और यहां पर दोस्तों ये बनाया गया है स्पेसिफिकली मिड रेंज फोन्स को लेके, जहां पर दोस्तों इंडियन मार्केट में भी काफी खासा ख्याल रखा गया है। तो ऐसे में लगता यह है कि शायद जो 7904 है ये हमको Samsung के M30 में शायद देखने को मिल जाए। बाकी दोस्तों आप बताइए क्या चाहते हैं कि क्या अगर आपको है दोस्तों इंटरेस्ट, तो अभी जो अपकमिंग Samsung के फोन्स हैं, फिर चाहे दोस्तों वो M10 हो या M20 हो या M30 वगैरह जो है दोस्तों M सीरीज के स्मार्टफोन्स, उनमें जो Exynos प्रोसेसर लगाया गया है, क्या आप चाहते हैं कि मैं उनको लेके एक वीडियो बनाऊं और ऐसे हम करें एक्सप्लोर कि भैया अगर हम करते हैं कंपेयर स्नैपड्रैगन वगैरह के साथ में तो कैसे स्टैंड करते हैं ये नए Exynos प्रोसेसर्स। आप दोस्तों बताइए क्या रहती है आपकी राय, और मैं बाद में आपके लिए वीडियो बना ही दूंगा। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के निकल के आता है यहां पे गूगल असिस्टेंट को लेके, और यहां पे दोस्तों एक नया डिजाइन आ रहा है सामने, जहां पर थोड़ा सा रीडिजाइन किया गया है इसी गूगल असिस्टेंट को। इसके अलावा शायद उसमें जो डार्क मोड है वो भी बहुत जल्द ही आ सकता है गूगल असिस्टेंट के लिए। काफी मजा आता है गूगल से भैया बात करने में, रिजल्ट्स मिलते हैं बिल्कुल एकदम हाथों हाथ। अगर आप बोलते हैं ओके गूगल, तो क्या आपके फोन में भैया अभी गूगल असिस्टेंट जागा या नहीं, बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। दोस्तों बात करते हैं कि अपडेट की निकल के आता है वन प्लस के भैया एक बैटरी ऑप्टिमाइजेशन बग को लेके, जहां पर दोस्तों अभी ऑक्सीजन ओएस में एक छोटा सा बग ये चल रहा है कि मतलब बैटरी को बचाने के चक्कर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट दोस्तों जो ऐप्स हैं जो बैकग्राउंड में चलती रहनी चाहिए उनको भैया वो कर देता है डिसेबल, दोस्तों वो बैकग्राउंड में नहीं चल पाती हैं। तो ऐसे में कुछ यूजर्स जो हैं वो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जहां पे भैया व्हाट्सएप वगैरह जो मैसेजेस हैं वो उनको रियल टाइम में नहीं मिल पाते हैं। जब वो व्हाट्सएप को ओपन करते हैं तब बजती है घंटियां टन 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 टन, तब मिलते हैं सारे सारे मैसेजेस। तो ये है दोस्तों ऑक्सीजन ओएस की छोटी सी एक बग, उम्मीद करते हैं जल्दी इसको सॉल्व कर देगा OnePlus। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की निकल के आता है यहां पे WhatsApp की फॉरवर्डिंग लिमिट को लेके, जहां पर दोस्तों भैया इंडियंस के ऊपर दोस्तों किया गया था इसका टेस्ट। और ऐसे में दोस्तों जो लिमिट थी वो ये थी कि आप एक मैसेज को भैया 5 लोगों से ज्यादा आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों यहां पे ये जो आगे लिमिट है ये भैया लगा दी गई है पूरी दुनिया में, कि पूरी दुनिया भर में भैया कोई भी कहीं भी किसी भी मैसेज को 5 लोगों से ज्यादा आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता है। तो यार ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि शुरुआत हुई इंडिया से, फैल गई चीज पूरी दुनिया में। हालांकि व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करने का कुछ मजा आता ही नहीं है, क्या फॉरवर्ड करते हैं बताओ जरूर ये बात भी लिख के नीचे कमेंट्स में। दोस्तों बात करते हैं अपडेट के निकल के आता है Samsung Galaxy S10 को लेके, और यहाँ भैया एक नया अपडेट दोस्तों आता है एक सिरेमिक एडिशन को लेके, जहां पर दोस्तों रिपोर्ट्स बोलती हैं कि भैया एक आने वाला है नया सिरेमिक एडिशन, जहां पे होगी 12 GB की रैम और 1 TB की स्टोरेज गैलेक्सी S10 में। अब ये दोस्तों S10 प्लस का मॉडल होगा या S10 का होगा वो तो खैर नहीं मालूम, लेकिन कुछ एक नया शायद आ सकता है दोस्तों यहाँ पे सिरेमिक कुछ डिजाइन हो और ऐसे में मिल जाए भैया 12 GB की रैम और 1 TB की स्टोरेज।
फोन को भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, स्टोरेज कभी भरे ही ना। दोस्तों बात करते हैं अपडेट की, निकल के आता है Huawei के Mate 20 Pro को लेकर। यहाँ भैया आ गया इसका DxO Mark का रिजल्ट, जहां पर दोस्तों स्कोर मिला है इसको 109 का, जो कि भैया बिल्कुल सेम है Huawei के अपने P20 Pro की तरह। बाकी दोस्तों लिस्ट में भैया और भी नाम है, iPhone XS Max है 105 पे, HTC का U12 Plus है भैया यहाँ पे 103 पे, और Pixel 3 जो है वो है 101 पे। तो DxO Mark जो उसको मैं इतना कुछ ज्यादा तवज्जो देता नहीं हूँ, बिकॉज यहाँ पर दोस्तों ये जो है वो अलग टाइप से टेस्ट करते हैं, कई बार रियल लाइफ में आपको मिल जाते हैं अलग रिजल्ट्स। मिरर दर में जो पिक्सल का कैमरा है वो डेफिनेटली भैया सबसे ऊपर है, और ऐसे में आप दोस्तों क्या सरप्राइज्ड हुए इस बात को लेके कि जो P20 Pro है उतना ही लेके आ पाए रिजल्ट Mate 20 Pro। मैं सोच रहा था कहीं कुछ और आगे छलांग मार लेगा, खैर ये है अपडेट DxO Mark की तरफ से दोस्तों। बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद, मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।